इतनी सड़क करता हूँ यहाँ पे मैचिंग सुबह का निकला था बट वेन इट्स कम टू लाइक पीपल वी आई हैव टू फेस द ओनली कैमरा नॉट द पीपल वेन आई एम टॉकिंग विद द पीपल आई एम ओके विद इट लाइक आई कैन इजीली कम्युनिकेट बट वेन इट्स कम टू कैमरा इट्स सम समहाउ डिफिकल्ट यू नो लाइक वी आर सो हाउ टू कम्युनिकेट दैट आई वांट टू लर्न फ्रॉम अच्छा अच्छी तो आपको यहाँ का ही खाना पसंद है यहाँ का नहीं बहुत जगह पे ट्राई करता रहता हूँ बट एंड एट द एंड इधर ही आता अच्छा मतलब अच्छा है यहाँ पे मिलता है अच्छा आप क्या खा रहे हो आप लोग दरबार मिसाब ओके तो मैं भी वही मंगाता हूँ खाने लायक है ना यस थैंक यू वेरी मच स्पाइसी खाने का क्या है ये बात है अपन खा लेंगे कुछ नहीं तो मिसल के लिए तो बहुत ही करेगा उनके लिए स्टार्ट करें हाँ पूरा वो रास्ता है वो लाइट नहीं आ रही है लाइट कब तक आ रही है ओके दिख रहा है दिख रहा है लाइट कब आ रही है समझा आज मुझे एक अच्छा मूवी बन गया हाँ क्या अच्छा वाला बन गया मैं पूछूँ कौन सा मूवी पूरी पूरी वो शॉर्ट मूवी बहुत मूवी है मूवी है अच्छा
काम होता नहीं है घर पे, काम चालू है कलर वाले का। और मेरे मासी भी मेरे घर पे रहने आई थी क्योंकि उनके घर पे पूरा रिनोवेशन हो रहा था, वहाँ पर बैठने को मिलते हैं और मेरे रोज झगड़े होते रहते हैं घर पे रोज। हमारा दोस्त की वजह से बहुत कुछ हो रहा है, आई स्वेयर वो जो भी लिखा है ना वही सब हो रहा है घर पे मेरे साथ। पापा से मतभेद, पापा को बोल दिया मर जाओ आप ये वो, क्योंकि मेरे को बोले कि तू जॉब छोड़ के आएगा फिर मेरा लोन का क्या होगा गद्दार है वो, फूल मतलब चालू है मतलब मेरे को मरने का नहीं है आपकी वैक्सीन से आप करो मेरे को मत मारा ये वो सब सरकार। हाँ सकते हैं तो ये ले लेंगे फ्रेश है। अरे वो चलेगा शैली वाला कोई भी खाते हाँ तो सही है। मैं ये मंडे को गांव जा रहा हूँ 2-3 दिन के लिए, शिवजी वगैरह मतलब हम लोग के घर के मंदिर मतलब गांव का जो मंदिर है उधर मेरे को जाने का है और रुद्राभिषेक भी करवा रहा हूँ। राजस्थान में गांव का नाम है बामनेरा करके, मैं बहुत दूर नहीं है गुजरात बॉर्डर क्रॉस किया ना माउंट आबू तो सुना रहेगा ना, हाँ उधर से मतलब 150 किलोमीटर और मतलब आगे लेकिन अभी मेरे को उधर जाके ना वो जनोई मान में जनोई पहनते हो ग्राम में पहनना पड़ेगा पाप, मैं नहीं पहनता था छोड़ दिया था मैंने पहन तो मैं मानता नहीं था तभी और सब पर मैं फॉलो नहीं करता ना वो सब तो लगता है कि वो पहन के मतलब उल्टे का मैं नेगेटिव ये कर रहा हूँ उसमें बोला है ये नहीं करने का गुटखा नहीं खाने का दारू नहीं पीने का ये नहीं करने का गांजा नहीं फूकने का सिगरेट नहीं फूकने का वो सब तो करता हूँ पर मतलब बहुत कुछ है कि ये नहीं करने का वो नहीं करने का ये नहीं करने का तभी जाके वो मतलब पहनाते हो फिर सुसु करने का है तो बांधने का पोटी करने का है तो बांधने का तो मैं सोच रहा हूँ वापस से पहन लूँ वही सोच रहा था मैं। गुटखा भी खाता है? हाँ गुटखा भी खाता है। नहीं 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 मतलब गांजा तो गुटखा बैठ लीजिए बाकी कुछ नहीं खाता। फिर घर पे भी बोलते हैं अरे वो कुत्ते कुत्ते को कुछ खिला दिया मैंने क्या ये क्या पेट फूड और मांस वास करेगा वो बोल दिया मैंने कि हम उसका रहता है तो चालू हो गए ब्राह्मण की औलाद है ऐसे थोड़ी करेगा कर्मा लगेगा मैं बोला अरे उनका खाना होता है वो अच्छा तू नहीं कर सकता ये वो तेरे को कितनी बार मना किया है इसलिए भी मैं कभी कभी फिर लगता है कि पता नहीं पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। जेनुइन पहना तो बोलते हैं मांस वास को छूने का भी नहीं रहता अभी अरे वो मैं कोवैक्सीन का पूछा 7 दिन में हो सकता है क्या दूसरा डोज वगैरह वो नहीं अभी तक क्योंकि अभी तक बूस्टर का मतलब ऑफिशियली कुछ आया नहीं है ना तो अभी तक उन लोग ने कुछ किया नहीं है 7-8 दिन में नहीं दे रहे।
तर्री पानी बहुत सारा तेल और लाल मिर्च वो ही रहता है। तो सब भी हो जाएगा तो मजा है इसमें। ये चैनल पे ये सब खाने का भी है, फास्टिंग का भी है, जॉन रोज भी है। कब जा रहे हैं? मंडे और फिर 31st को सुबह आ जाऊंगा। मेरे को लगता है मैं 2022 के एंड में या तो 2023 के स्टार्टिंग में मैं हमेशा के लिए आ जाऊंगा इधर। सीन और खराब हो रहा है, वाटर कैनन वगैरह चालू कर दिए पुलिस ने, पब्लिक पे डाला। नाता नहीं उसके लिए? हाँ जो नाता नहीं उसके लिए उसके लिए होना चाहिए तो चलेगा, फिर मैं उधर ना लेगा। छोटे छोटे इसके बाद तो अभी और एक न्यूज़ आया था, अभी वो कितना राइट है रॉन्ग नहीं, लेकिन वो मेन स्ट्रीम लग्जमबर्ग की न्यूज़ तो है कि एक कुछ प्रोटेस्टर्स के घर पे एक्सप्लोजिव और वेपन लगा गया था। मतलब एंटी वैक्सर्स के लिए तो पूरा खराब हो गया अभी वहाँ पे माहौल। तो न्यूज रिपोर्टर वगैरह ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे तो पब्लिक बोल रहे कि जो वैक्सीन नहीं लिया उनको जेल में डाल दो, वो क्रिमिनल ऑफेंस के उससे भी ऊपर है उनका, तो ये हम लोग को मार रहे हैं, हम लोग की आज़ादी छीन रहे हैं, ये मतलब इतना अभी हो गया है।